अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही सिंपल टेस्टी चिकन फ्राई यानी चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, जो बहुत ही कम मसाले डालकर बनाएंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है और ये इतनी जल्दी बन जाती है कि अगर फौरन से आपके कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो आप ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मजेदार टेस्टी चिकन फ्राई यानी चिकन कढ़ाई। फ्राई चिकन यानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने 750 ग्राम चिकन लिया है। लेग के ऊपर हमने ये डीप डीप कट लगा लिए हैं। चिकन को हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब हम इसमें 2 अदद लेमन का रस डालेंगे। अच्छे से हम लेमन को लगा लेंगे चिकन के ऊपर। साबुत ड्राई मसाले हम रोस्ट करेंगे, 2 स्टिक दालचीनी, 2 अदद मोटी इलायची, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 5 से 6 अदद सुरख लाल मिर्च साबुत, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। साबुत मसाले हमारे हल्के से रोस्ट हो गए हैं, अब हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। सबसे पहले हमने 1/2 कप घी का लिए, आप ऑयल भी ले सकते हैं। 2 अदद हमने प्याज लिए, प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए। प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं, अब हम चिकन डाल देंगे। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। चिकन को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट फ्राई कर लेंगे। एक चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। चिकन को हमने 5 से 7 मिनट फ्राई कर लिए, ये आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया। अब हमने जो मसाले ग्राइंड करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। मसाले डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से चिकन को भून लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। पांच से सात मिनट हम ऊपर से कवर कर देंगे। सात मिनट गुजर चुके हैं, चिकन अच्छे से गल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया और चिकन अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें।
छोटा छोटा हमने हरी मिर्चों को कटिंग कर ली है। बहुत ही जबरदस्त फ्राइड चिकन कढ़ाई हमारी रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और फ्राइड चिकन को हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही आसान और जल्दी से बनने वाली चिकन फ्राई यानी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप अपने लिए और अपने मेहमानों के लिए बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी को भी जरूर प्रेस कीजिए और ऑल वीडियो को भी सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Thanks for watching. Allah Hafiz.